राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सोनू सिन्हा ओरिजिनल्स। हाँ भैया, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आमिर खान के सो कॉल्ड डाई हार्टेड फैन से ये बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखते दौरान आपके दिल में मेरे लिए ढेर सारा हेट भर सकता है और गालियां देने का भी मन कर सकता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर साविनय निवेदन है कि इस वीडियो को अभी तुरंत स्किप करके प्रस्थान कर जाए, वरना देखना चाहते हो तो आपकी मर्जी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्लेमर देना मेरा काम था, वो मैंने आपको दे दिया। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आमिर खान के लिए कुछ चंद लाइनें बोलना चाहता हूं, जो आज के वर्तमान हालात को देखते हुए उन पर सटीक बैठती है। प्रमोशन की जब बात आए तो आ जाता है कंट्रोवर्सी में। मेरी फैमिली इंडिया में इनसिक्योर है और गांड मराने जाता है तुर्की में। तू खाता हिंदुस्तान का, गाता पाकिस्तान का, फैन तेरे भारत के और गुन गाए पाकिस्तान का। कर घमंड ना अपने स्टार्डम का, खींच ले आएंगे जमीन पे। ओ लाल सिंह चड्ढा, नई फिल्म आने वाली है ना तेरी, अब तू देख हिंदुस्तान कैसे फाड़ता है वो लाल चड्डी तेरी। हाँ, तो ये वही इंसान है जिसके लिए बॉलीवुड के सारे अवार्ड शोज हराम है, मगर लगान के लिए ऑस्कर की भीड़ में जरूर खड़े रह सकते हैं, चाहे मिले या ना मिले। ये वही इंसान है जो खुद को बॉलीवुड का सो कॉल्ड परफेक्शनिस्ट कहता है। इसकी प्लानिंग इतनी सटीक होती है कि ये खुद के फिल्मों का प्रमोशन भी नहीं करता है। बस छोटा सा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, फिर क्या, फिल्म की प्रमोशन तो पब्लिक करेगी ना, वो भी ट्रोल करते हुए। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये वही आमिर खान है जिसे धर्म के नाम पे प्रोपेगेंडा करना और आपकी अदालत में आके लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है। इसकी फिल्म पीके ही देख लो। इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि हिंदुओं को टारगेट करना बहुत आसान है। इनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ हिंदू ऋषि मुनि और बाबा ही ठग और चोर होते हैं, कोई मुल्ला मौलाना नहीं। इनके हिसाब से शिव जी को टॉयलेट में दिखाना, उन पर मजाक बनाना और सड़क पे भागते हुए दिखाना, ये सही है। इनके हिसाब से शिवलिंग पे दूध चढ़ाना, भैया ये गलत है। क्या आप इस दूध को गरीबों में दान नहीं कर सकते, उनका पेट भरेगा, ऊपर वाला आपका ख्याल रखेगा, बरकत बरतेगा और आशीर्वाद देगा। लेकिन कभी कोई ये सवाल क्यों नहीं उठाता कि ये हमारे मुसलमान भाई मस्जिदों और मजारों में जो चादर चढ़ाते हैं वो ये लोग किसी गरीब को दान क्यों नहीं कर देते, उन महिलाओं को क्यों नहीं दे देते जो गरीब है, जो फटे पुराने कपड़े पहनते, जो अपने अंग को ढकने के लिए एक कपड़े को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें दान क्यों नहीं दे देते। अरे ना भैया, ना ना, ये सवाल हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी लोग, गिने चुने जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, ये सवाल तो उठाएंगे नहीं। वो जानते हैं अगर ये सब के बारे में हम कुछ बोलेंगे तो बहुत बड़ा दंगा फसाद हो सकता है, लेकिन हिंदू तो सोता हुआ चूहा है, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं। इसलिए बनाते जाओ, इनके धर्म के बारे में कुछ बोलो, इनके भगवानों के बारे में कुछ बोलो। अभी जो हम देख रहे हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर कुछ गिने चुने बुद्धिजीवी कॉमेडियन जो हैं, जो खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन मानते हैं, वो लोग कैसे मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन जब उन पर कार्रवाई हुई तो वो दूसरे ही दिन एक वीडियो बनाकर जिन जिन जनों को मैंने ठेस पहुंचाई है उनसे मैं क्षमा मांगना चाहूंगी। लेकिन भैया, इस देश की तो यही विडंबना है, यही दोगलापन है, यही तो हिपोक्रेसी का लेवल है हमारे देश में हिंदुओं को लेकर। मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। ये बंदा बहुत ही स्मार्ट है क्योंकि ये अपने फिल्मों को हिट करवाने के लिए प्रमोशंस नहीं कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करता है। आप लोगों ने शायद इनका एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें इन्होंने कहा था कि इनकी वाइफ को लगता है इंडिया इनकी फैमिली के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, इन्हें इंडिया से कहीं बाहर चले जाना चाहिए क्योंकि इंडिया में आजकल इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर क्या, इनके इस इंटरव्यू के बाद पूरे इंडिया में इनको गालियाँ पड़ रही थी और हेट बढ़ गया था। आपको याद है उस वक्त इनकी कौन सी फिल्म रिलीज़ होने वाली थी? मैं बताता हूँ, दंगल रिलीज होने वाली थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब दंगल रिलीज होने वाली थी उस वक्त पूरे इंडिया में डीमोनेटाइजेशन का दौर चल रहा था, जहाँ लोगों के पास इंस्टेंट खर्च करने के लिए 500 रुपए नहीं थे। वहाँ पे ये फिल्म डीमोनेटाइजेशन के वक्त पे दंगल 511 करोड़ रुपए सिर्फ इंडिया से कमाकर पतली गली से निकल जाती है। सोचो सोचो, ये होता है बिजनेस माइंडेड। प्रमोशन तो छोटे मोटे स्टार करते हैं, और देख लो अभी आमिर खान फिर से कॉन्ट्रोवर्सी में घिर गए हैं। और इनकी कौन सी फिल्म आने वाली है अभी, समझ रहे हो आप? आमिर खान को न्यूज़ देखना, न्यूज़ में रहना और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, न्यूज़ क्रिएट करना बहुत अच्छे से आता है। क्या आपको नहीं लगता आमिर खान को तुर्की और इंडिया के रिलेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि तुर्की पाकिस्तान का, पाकिस्तान तुर्की का चाटता है, तुर्की इंडिया को देखना नहीं चाहता, तुर्की इंडिया को एक आतंकवाद फैलाने वाला और विश्व अशांति फैलाने वाला देश मानता है। ये सब कुछ जानते समझते हुए भी आमिर खान आखिर तुर्की क्यों गए
और गए तो गए, तुर्की के प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ हंसी ठिठोली, मजाक, चाय नाश्ता भी करके आए और गपशप, ढेर सारी गपशप भी हुई। और एट द एंड वो क्या करते हैं, पूरी दुनिया को पता है कि उनकी एक नई फिल्म आने वाली है, वो एक बस फोटो लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड करते हैं। वो जानते हैं मेरे इस कंट्रोवर्सी के बाद पब्लिक खुद मेरे फिल्म का प्रमोशन करेगी, वो भी ट्रोल करते हुए। और दंगल में तो मैंने सिर्फ 511 करोड़ कमाया था ना, इस बार मैं 1000 करोड़ सिर्फ इंडिया से कमाकर निकल जाऊंगा। आज से कुछ दिनों पहले चाइना में एक मस्जिद को तोड़वाकर पब्लिक टॉयलेट बना दिया गया। मैं आमिर खान और उन जैसे तमाम लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या अब आप लोग आगे आकर चाइना की इस गिरी हुई हरकत पे सवाल उठाएंगे? चाइना में जो तमाम मुस्लिम रह रहे हैं, चाइना के द्वारा जो उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, क्या अब आप लोग आगे आकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे? ये सारे सवाल मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ जो एक फेसबुक के पोस्ट को देखकर निकल पड़ते हैं ढेर सारे लोगों के साथ पूरे बेंगलोर को आग के हवाले करने के लिए। ये सारे महत्वपूर्ण सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ और खास करके उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो एक आपत्तिजनक पोस्ट को देखकर निकल पड़ते हैं आग के साथ दंगल करने के लिए। हाँ भैया, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी तरह का हेट फैलाना नहीं चाहता हूँ और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को किसी भी गलत डायरेक्शन में ना लेकर जाएं। मैं सिर्फ वही बातें बोल रहा हूँ जो आजकल हर भारतीय महसूस करता है, लेकिन मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, आप लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकता हूँ, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना है जिस देश ने हमें हर चीज़ की आज़ादी दी है, क्या हम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वफादार होकर नहीं जी सकते हैं? अगर इतना छोटा सा काम भी हम अपने मुल्क के लिए नहीं कर सकते हैं तो बेकार है इतने खूबसूरत जिंदगी जीने का और आजाद मुल्क में रहने का। तो भैया आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में इस वीडियो से रिलेटेड दिल की भड़ास लिख डालो। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर दो यार, मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए ना, कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, साइनिंग ऑफ, सोनू सिन्हा ओरिजिनल्स।